आज उत्तराखंड में भीषण बाढ़ और विशाल पैमाने पर हुए भूस्खलन की आपदा को आए 15 दिन बीत चुके हैं और अब बचाव अभियान भी अंतिम चरण में है। ऐसे में प्रशासन का सारा जोर प्रभावित इलाकों में जरूरी सामग्री पहुंचाने, बुनियादी सुविधाओं के पुनर्निर्माण और लोगों के पुनर्वास पर होता जा रहा है। सड़कों के बह जाने के कारण राहत सामग्रियों से लदे ट्रक जगह जगह फंसे खड़े हैं और प्रभावित गांव में राहत सामग्री पहुंचाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। 200 से अधिक गांव तो ऐसे हैं जिनका पूरी तरह से पुनर्निर्माण करना होगा। तमाम बाधाओं के बावजूद अनाज और अन्य आवश्यक सामग्री के साथ 274 से अधिक ट्रकों को रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों के करीब 16 प्रभावित स्थानों के लिए भेजा गया है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक कर तमाम उपायों पर चर्चा की। रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, चाहे वो कनेक्टिविटी का हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर लाइन्स का हो, और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन 3,727 ग्रामों में खत्म हो गया था। ये बिल्कुल स्नैप हो गई थी बिजली लाइनें और इसमें बहुत तीव्र गति से काम हुआ है। बहुगुणा ने कहा है कि करीब 3,000 लोगों के लापता होने की खबर है। उन्होंने कहा है कि अगर 30 दिनों के अंदर खोए हुए लोग वापस नहीं आते हैं तो उन्हें मृत घोषित कर उनके परिवार को पूरा मुआवजा दिया जाएगा। निर्देश दे दिए गए हैं कि जो हमारे यहाँ के लोग मिसिंग है तुरंत रिपोर्ट कर दें और उस पर जांच होगी, और 30 दिन तक यदि वक्त व्यक्ति वापस नहीं आता और वो आदमी उनके परिजन हमको एक हलफनामा दे देंगे तो राज्य सरकार राहत की राशि उनको दे देगी। चूंकि मानसून के दौरान पक्की सड़कें नहीं बनाई जा सकती, इसलिए प्राथमिकता के स्तर पर सप्ताह भर में सभी स्थानों के लिए कच्चे रास्ते बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही पेयजल और बिजली सप्लाई को भी दुरुस्त करने पर जोर होगा। 10 जुलाई तक जो है सभी गांवों में पेयजल रिस्टोर करना है। इसी किस्म से जो है 31 जुलाई तक जो भी गांव अनकनेक्टेड है, अभी पहले 4,200 गांव था उसमें जो है 1,337 गांव बचे हुए थे, 1,337 गांव को भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 31 जुलाई तक मिनिमम जो दूरस्थ हो, जो वर्स्ट अफेक्टेड हो, उसको 31 जुलाई तक कर दिया जाए और विद्युत व्यवस्था जो है 15 जुलाई तक पूरा कर लिया जाए। आपदा राहत के तमाम दल प्रभावित इलाकों में तैनात है तथा महामारी के खतरे से निपटने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों की विभिन्न टीमें इन इलाकों में तैनात है। 3 ट्रकलोड मेडिसिन्स, 60 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन्स, 10 लाख क्लोरीन टैबलेट्स आर आल्सो हैंडेड ओवर टू द स्टेट गवर्नमेंट। 3 सेंट्रल पब्लिक हेल्थ के टीम्स उत्तराखंड में हैं। नेशनल वेक्टर बोन डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के स्पेशलिस्ट स्टेट गवर्नमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं। पुलिस, स्वास्थ्य, पशुपालन विशेषज्ञ एवं स्वच्छता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों समेत 200 लोगों की टीम को एनडीआरएफ के उपकरणों के साथ केदारनाथ और रामबाड़ा आदि इलाकों में भेजा जा रहा है, जहां वे मलबे से शवों को निकालेंगे और उनके अंत्येष्टि की प्रक्रिया में तेजी लाएंगे। इलाके से मलबे को हटाने में भी वक्त लगेगा, लेकिन तमाम एजेंसियां युद्ध स्तर पर इस काम को पूरा करने में जुटी हुई हैं ताकि देवभूमि के इन पहाड़ी क्षेत्रों में कुदरत के कहर से उबरकर लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।